व्हाट्सअप गाइस, अमृत खुराना एंड वेलकम टू कुकबुक बाय रोहित। आज मैं आपका शेयर कर रहा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी, एक ऐसी रेसिपी जो आपको स्ट्रीट फूड की याद दिलवा देगी। वेज चाउमीन बना रहा हूँ आज। ये इतनी सिंपल रेसिपी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे नूडल्स को परफेक्टली बॉयल करना है कि ना वो ओवर कुक होंगे और ना ही वो अंडर कुक रहेंगे, और आपको मिलेगा एक परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर जो आपको हर बाइट में एक ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड का मज़ा देगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं डिलीशियस वाली वेज चाउमीन घर पर। नूडल्स को बॉईल करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेंगे, साथ ही में नमक ऐड करेंगे। दोस्तों, नमक थोड़ा ज्यादा ऐड करेंगे। अब पानी को एक बॉईल पर आने देंगे। जैसे ही पानी बॉईल पर आ जाए, उसके बाद इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स ऐड करके एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब नूडल्स को 3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। जब भी आपको नूडल्स बॉईल करने हो तो आप पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शंस देख लेना। कई बार कुकिंग टाइम 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, 3 मिनट हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हो नूडल्स 80% कुक हो गए हैं। अब इनको एक छन्नी में ट्रांसफर कर देंगे। छन्नी में ट्रांसफर करने के बाद एकदम आइस कोल्ड वाटर नूडल्स के ऊपर डालेंगे ताकि कैरी ओवर कुकिंग रुक जाए और नूडल्स ओवर कुक ना हो। उसके बाद थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और नूडल्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है नूडल्स को परफेक्टली बॉईल करना। चलिए अब चाउमीन बनती कैसे है वो देख लेते हैं। एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल एक बार गर्म हो जाए फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर और 2 से 3 हरी मिर्च चॉप करके। इनको आधा मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, फिर ऐड करेंगे प्याज स्लाइस करके, साथ ही में गाजर के जूलियन, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, पत्ता गोभी और चुटकी भर शक्कर। हाई फ्लेम पर इनको 1 मिनट के लिए अच्छे से टॉस करते हुए पका लेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें स्प्रिंग अनियंस का सफेद वाला हिस्सा ऐड करेंगे, जो नूडल्स बॉईल कर रहे थे वो ऐड करेंगे, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून टमेटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस और ढेर सारा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर टॉस करते हुए पका लेंगे। अगर आप चाहो तो आप इस तरह से चिमटे का यूज करके भी इनको इजीली मिक्स कर सकते हो। और हमारी देसी स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन तैयार है, चलिए सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनी है और बनाना भी एकदम आसान है। चाउमीन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नूडल्स को परफेक्टली बॉईल करना, एंड आई एम श्योर आप देखकर सीख भी गए होंगे कि नूडल्स को परफेक्टली बॉईल कैसे करना है जो आपको घर पर ही स्ट्रीट फूड के फ्लेवर और मजे दिलवा दे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके वेज चाउमीन बनाएं और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।
इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड हैप्पी कुकिंग।